हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर अप्रेंटिसेस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाली है, जिसकी सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो इसमें सबसे पहली वैकेंसी जो है सिविल ग्रेजुएट की 16 वैकेंसियां हैं और सिविल डिप्लोमा की 14 वैकेंसियां हैं। फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा दोनों ही कैटेगरी में 16-16 वैकेंसियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट में 38 वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा डिपार्टमेंट के लिए 24 वैकेंसियां हैं। कंप्यूटर आईटी ग्रेजुएट की 8 पोस्ट हैं और कंप्यूटर आईटी डिप्लोमा कैटेगरी में 7 पोस्ट हैं। ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट की 6 वैकेंसियां हैं और ऑटोमोबाइल डिप्लोमा में 4 वैकेंसियां हैं। एरोनॉटिक्स एरोस्पेस ग्रेजुएट की 8 वैकेंसियां हैं और एरोनॉटिक्स एरोस्पेस डिप्लोमा में भी 8 वैकेंसियां हैं। फायर सर्विस की कैटेगरी में यहां कुल 1 वैकेंसी है। दोस्तों, जो सारी कैटेगरी अभी तक हमने डिस्कस की है उन सभी का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा सब में 1 साल का रहेगा और जिसमें आपका मंथली स्टाइपेंड रहेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस का वो महीने का 15,000 रुपये रहेगा और जो डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस होंगे उनका स्टाइपेंड यहाँ पे 12,000 रुपये महीने का रहेगा। और जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी उसकी सेंटर्स की सारी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहीं आपकी जो है पूरी ट्रेनिंग कराई जाएगी 1 साल के दौरान। अगली कैटेगरी है इसमें आईटीआई अप्रेंटिसेस की। इसमें सबसे पहले जो आपकी ट्रेड देखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो सभी कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई में कोपा का सर्टिफिकेट, स्टेनोग्राफर, ऑफिशियल असिस्टेंट, फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये सारी ट्रेड रिगार्डिंग आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुल जो है 14 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है और यहाँ आपका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा और आईटीआई में जितने भी अप्रेंटिसेस यहाँ अपॉइंट किए जाएंगे उनको 9,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ इन्होंने लिस्ट ऑफ लोकेशन डाली है कि कहाँ आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है कराई जाएगी ड्यूरिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उन सभी जगहों की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहाँ बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सबको यहाँ पे कम से कम 4 साल की रेगुलर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो उनके पास या फिर 3 साल का कंसर्न ट्रेड से डिप्लोमा हो तो ही आप इन सभी अप्रेंटिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस की जॉब्स के लिए आपके पास आईटीआई का 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए कंसर्न ट्रेड का, तो ही आप आईटीआई अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों ही कैटेगरी में दोस्तों कुछ कंडीशन डाली हुई है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही अप्रेंटिसशिप कर रहा है या कर चुका है तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ दोबारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में अगर किसी कैंडिडेट के पास 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो दोनों ही कैटेगरी में अप्रेंटिसिस का जो सिलेक्शन होगा वो टोटली मेरिट बेसिस पे होगा। यहाँ आपको अपने सारे सर्टिफिकेट और बाकी सारे टेस्टिमोनियल जो है सबमिट कराने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आपका इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब बात आती है यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ सिर्फ इंडियन नेशनल जो नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं वही सारे कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें वो सभी कैंडिडेट जिनका डिप्लोमा, डिग्री या आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट 2018 में या उसके बाद हुआ है तो ही वो कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2018 से पहले आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और इन सारी ही अप्रेंटिस वैकेंसीज का जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट रखी गई है वो 26 साल रखी गई है और जो आपकी इसमें एज कंसिडर की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। और दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं 6 जनवरी 2021 से और 24 जनवरी 2021 तक आप इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
इन सभी पोस्ट के लिए दोस्तों ना तो आपका कोई एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और ना ही किसी कैंडिडेट से कोई एग्जामिनेशन फीस जो है चार्ज की जाएगी। दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन में जो डिग्री और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक चेकलिस्ट डाली हुई है जिसके अकॉर्डिंग उनको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। तो वो सारी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।